समय सरगम का जो नवीन मूल्य बोध है उसे आज हम लोग देखते हैं कि नवीन चीजें यहाँ पर कौन कौन सी आई हुई हैं। समय सरगम उपन्यास में सदानंद महाराज भोली भाली जनता को धर्म और अधिकारों की बातें बताकर अपना फायदा कर लेते हैं। वह धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। आजकल हर कोई वैयक्तिक हित के लिए देश की सेवा करना चाहता है। यह घूसखोरी तानाशाही समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब देखिएगा समाज की जो वास्तविक स्थिति है उस वास्तविक स्थिति का भी अंदाजा यहाँ पर हमें लग जाता है। अरण्या देश के कानून को अच्छी तरह से जानती है। वह अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहती है। दिल्ली जैसे शहर में बदलते वातावरण को लेकर वह चिंतित है। वह अपने मित्रों को भी कानूनन सलाह लेने के लिए कहती है। जो बच्चे अपनी माँ की अवहेलना करते हैं उन्हें नरकीय जीवन जीने के लिए वो मजबूर करते हैं। उन्हें अपने लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर लेती है। यहाँ ही स्टेटमेंट से हमें प्राप्त हो रहा है कि अरण्या भले ही पारंपरिक विचारों को आत्मसात नहीं करती लेकिन वह कानून वाली चीजों को आत्मसात करती है। कानून के अधिकारों को आत्मसात करती है और इतना ही नहीं तो वह उन कानून को आत्मसात करने के पश्चात कामिनी हो या दमयंती हो जैसे तमाम ऐसे समाज में रहने वाली उन नारियों को वो सचेत करवा देती है कि डरना नहीं है बल्कि यह सारे कानून जो है हमारे साथ चलते हैं और उन कानूनों को अधिकारों के साथ साथ वह अपने जीवन को एक सुरक्षित आयाम प्रस्तुत करना चाहती है। यह अरण्य की खास विशेषता हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? हाँ आगे बढ़े। अब देखिएगा कि जैसे उन्हें पता है कि आप सभी को आप लोग पात्रों को भी देख चुके हैं तो पात्रों में हम लोग देख चुके कामिनी है अरण्या है दमयंती। तो कामिनी की ओर हम लोग की अब दृष्टि डालने वाले हैं। कामिनी को भी कानूनन चेतना प्रदान करते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं कि तुम्हारे भैया भाभी यदि तुम्हारी जायदाद हड़पना चाहते तो तुम्हें एक जैसे हस्ताक्षर न कर पाने की समस्या का हल वो बताती है। जैसे कि कानूनन अधिकार एक दूसरे का तभी छीन पाते हैं जब हमारी उस पर साइन हो और साइन कभी एक जैसे नहीं के तो हमारे साइन जैसा बनाने वाला भी यदि उन्हें मिल जाता है तो एक जैसे साइन नहीं बनानी आनी चाहिए है ना। अलग अलग साइन बनाकर छोड़ देनी है ताकि हम अपनी जायदाद को किसी के हाथों में हम न छोड़ सके। यहाँ पर तो स्वयं के भैया और भाभी होने के बावजूद भी उसे डर कामिनी को बना रहता है कि ये भैया भाभी कहीं हमें मार ही न दे क्योंकि वह उन्हें नींद की गोलियां देकर सुलाने का प्रयास करते हैं। हम लोग देख चुके हैं इसके पूर्व भी। तो देखिएगा कि कामिनी के व्यक्तित्व को वो किस प्रकार से उजागर कर रही है। नारी की चेतना को जागृत करने का प्रयास अरण्य के जरिए किया जाता है। वृद्धावस्था में भी ईशान बाल गृह से कानूनी स्तर पर दो पुत्रियों का उत्तरदायित्व उठाता है और इस उपन्यास के माध्यम से नवीन मूल्यों को लेखिका समाज में फैलाना चाहते हैं। यही तो नवीन मूल्य है दोस्तों कि जो नवीन मूल्य हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आखिरकार हमारे साथ यदि हमारे समाज में रहने वाली तमाम ऐसी नारियां हैं तो उन नारियों के साथ यदि ये घटनाएं घटित होती है तो हमें उनको ये बात बताने आनी चाहिए कि आप डरो मत हमारे साथ कानून है हमारे साथ ही अधिकार है और उन अधिकारों को हम भली भांति जानते हैं। आपको जहां पर भी हमारी जरूरत होती है तो हमें आप बताइएगा ताकि हम आपकी पूरी मदद कर पाए। लेकिन घर की जो नारी है जो पीड़ित है जो त्रसित है वो यह बताती ही नहीं है कि उसकी परेशानी क्या है उसकी समस्या क्या है। भले उसका पति हमेशा शराब पी के आता है उसकी मारपीट करता है मार खा लेती है गली में वो गालियां देता है उसे सह लेती है लेकिन उसे ये कतई मंजूर नहीं है कि वो अपने पति को इस प्रकार से कानून के हवाले कर दे। है ना जो भी है जैसा भी है पति है पति मेरा परमेश्वर है बेटा है तो बेटा ही मेरी सारी जीवन नौका को पार करने वाला है। ऐसी जो हमारी भाव भूमिका है अब उस भाव भूमिका से हमें आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि अब तक की रही हमारी भाव भूमिका केवल भाव भूमिका थे, लेकिन उससे हमारा सुरक्षा नहीं, उससे हमारी नींव परिपक्व नहीं हो सकती थी, उससे हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती थी। ये बात हम सभी लोगों को समझनी चाहिए, और इसी नवीन मूल्य बोध को ये प्रस्तुत उपन्यास हमारे आगे ले जाता है। देखिएगा, अब तक के हुए प्रेमचंद के उपन्यास है या प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है, उन सभी उपन्यासों में हमने देखा कि केवल समस्याओं को बता दिया गया, उसे सुलझा नहीं गया, बस केवल समस्या ही समस्या हमारे सामने आती गई। लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने, कौन है इस उपन्यास की लेखिका? आंखें बंद करते हुए भी आपको याद दिलाना होता है कि इस उपन्यास की नायिका कौन है। हाँ, और इस उपन्यास की नायिका कौन है? लेखिका तो समझ में आ गया, नायिका कौन है? वेरी गुड। और नायक? नायक, वेरी गुड। ईशान को एक बेटा है, क्या नाम है उसका? गुड। ईशान और अरण्या अच्छे दोस्त है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज ऐसी दोस्ती को एक्सेप्ट कर पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, इसलिए नहीं समाज एक्सेप्ट करता क्योंकि समाज उन परंपराओं में चला गया है। देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि नहीं मैम, तो नहीं का तात्पर्य है कि आज भी हम ऐसे ही समाज में जीवन जी रहे हैं कि जहां पर नर और नारी एकत्रित शादी के बंधनों में तभी बन पाते और तभी रह पाते हैं जब वो बंदिश हो जाते हैं, अदरवाइज हम एक दूसरे पराये पुरुष के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। लेकिन जब कृष्णा सोप्तिक स्वच्छंद विचारों को, स्वतंत्र विचारों को अपनाती है, तो बिना शादी के भी और बिना किसी बंधनों के रहते हुए भी वह एक दूसरे के साथ रहते हैं, केवल मन से जुड़ जाते हैं, तन से वो एक दूसरे के नहीं हो पाते। अंत में उपन्यास के जब हम लोग देखते हैं तब तो हमें पता चल जाता है कि जरूरी नहीं है कि प्यार केवल युवावस्था में ही हो, प्यार करने के लिए कोई आयु की सीमा नहीं रहती है, लेकिन वो तन से एकत्रित होना नहीं चाहते बल्कि वो मन से एकत्रित हो जाते हैं। यह इस उपन्यास की खासियत है। यह एक उपन्यास नवीन मूल्यबोध की ओर सचेत करवा रहा है कि इस प्रकार के नए ऐसे आयाम हमारे सामने खुलवाने का प्रयास कृष्णा सोपती जी ने किया हुआ है। तो दोस्तों, यह पहला जो आयाम था नवीन मूल्यबोध वाला, वह समाप्त तो हो गया है। क्या आपको समझ में आया? आया हो तो हम लोग नए, दूसरा जो हमारा है आधुनिकतम का जो परिचय है उसकी ओर हम लोग दृष्टि डालें। आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। ओके, कितने लोग जुड़े हो बेटा? ये मोबाइल में हमें पता नहीं चलता है कितने लोग जुड़े हो। बस केवल दो? दो का अटेंडेंस? हाँ, तो बेटा दो की अटेंडेंस आप में से कोई भी ले लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मत डालिए, हमारे पर्सनल नंबर पर डाल दीजिएगा ताकि अटेंडेंस हमारा बने रहे। और आज उन लड़कियों से भी डिस्कस, हाँ, और आज उन लड़कियों से भी बात कर लीजिएगा कि लेक्चर्स के लिए आना इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों का। देखिए, भले ही सिलेबस हमारा खत्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया मतलब लेक्चर्स नहीं होंगे। तो उन लेक्चर्स में हमें पढ़ाई भी करनी है। अब कल कल हमारी एक टेस्ट रखवाने वाले हैं, ठीक है? और उस टेस्ट में आप सभी लोगों को देना है, वो टेस्ट कंपल्सरी है। भले ही अब जिस टेस्ट के नंबर हमें पकड़ने हैं उस टेस्ट के नंबर हम पकड़ेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी आप लोगों की नहीं रहेगी, ठीक है? तो वो टेस्ट आपकी समय सरगम इस उपन्यास के आधार पर होगी। हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाए, हो सकता है कि आपके गूगल जो क्वेश्चंस होते हैं
गूगल फॉर्म के जरिए, वहां से आपके क्वेश्चंस को बनाकर डाल दिए जाए। डिपेंड करता है हम पर कि हम आपको समय कितना और कैसे दे पाते हैं। लेकिन आपको एडवर्टाइज कर देनी है सब लेक्चर्स में कि आपके कल टेस्ट होने वाली है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी है। ओके, चलते हैं आगे। आधुनिकता का परिचय करवाते समय उन्होंने हमें ये बता दिया कि जैसे ही नई सदी में उभरता हुआ हमारा ये जो उपन्यास है, तो हम देख चुके हैं बेटा इसके पूर्व की उपन्यास भले ही हमारा ये उपन्यास नई सदी को उभरता है, लेकिन लिखने वाली लेखिका भी बुजुर्ग है, उसकी आयु अधेड़ उम्र की है, और उसके जो पात्र है उपन्यास के लगभग सभी पात्र आधुनिकता के साथ साथ वह बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं, मतलब सभी वृद्धावस्था की ओर हमें ले जाने वाले हैं। आधुनिकता की सीमाहीन आकाश है जहाँ मनुष्य स्वच्छंद उड़ान भरता है और अपने स्व का लोहा मनवाता है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र अरण्या है और इस उपन्यास के सभी पात्र बूढ़े हैं, पारिवारिक तथा सामाजिक उपेक्षा को महसूस कर रहे हैं। देख लिया हमने कि पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा कैसी है। एक ओर तो जहाँ हमारी अरण्या केवल अकेली जीना जीवन जी रही है, दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि कामिनी किस प्रकार से अपने भैया और भाभी से पीड़ित है, तीसरी ओर हमारी दमयंती अपने ही बेटा और बहू उससे पीड़ित है, चौथी ओर यदि हम ईशान के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो ईशान भी अपने आप को अकेले जीवन जी रहा है और वह अकेले घुटन भरी जिंदगी से वो भी परेशान है। मतलब एक पात्र भी ऐसा नहीं है कि यदि हम ईशान का जो नौकर लेते हैं वो भी अपने आप में अकेला महसूस करता है और अकेले जिंदगी जीने वाली जो जो पीड़ा है वो पीड़ा हमें यहाँ पर सातत्य रूप से दिखाई देती है कि कैसे वह पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा के बीच में हमारे पात्र घुल मिल जाते हैं। और ऐसे में उपन्यास की नायिका अरण्या एकमात्र ऐसी है जो अविवाहित रहकर अकेले जीवन जीने का फैसला करती है। परिवार होने के बावजूद भी वो अकेले हैं। हम देख चुके हैं कि कामिनी का परिवार है फिर भी वो अकेली है, दमयंती का परिवार है फिर भी वो अकेली है, ईशान का अपना परिवार था लेकिन ईशान की पत्नी मर चुकी है, ईशान का बेटा मर चुका है, उसकी जो दो बेटियां हैं वह बाहर पढ़ रही है, परिवार होने के बावजूद भी वो अकेला है। मतलब देखिएगा कि जहां पर परिवार है वहां पर घुटन है, वहां पर अकेलापन है, और यहाँ अकेली जिंदगी इसलिए भी जीना चाहते क्योंकि वह अपनी पढ़ाई में अपने लेखन कार्य में कोई बाधा नहीं चाहती। इसलिए आज की नारी परिवार में रहती हुई संतुष्ट नहीं है तो वह उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इस वाक्य से, इस स्टेटमेंट से आप लोग एक्सेप्टेशन दे रहे हो? आज की नारी परिवार में रहती हुई संतुष्ट नहीं है तो वह उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहती है। नीलोफर जी, आपको क्या लगता है इस वाक्य से? हाँ, देखिए आज हमारे आज जो उपन्यास है यह एक उदासी की ओर, अकेलेपन की ओर, अविश्वास की ओर या सामाजिक या पारिवारिक उपेक्षा की ओर ले जाता है। और ऐसे में उपन्यास की जो हमारी नायिका है, एकमात्र ऐसी नायिका जो अरण्या जो अविवाहित है और अविवाहित रहकर वह अकेले जीवन जीने का प्रयास करती है ना। जैसे कामिनी को भी हम लोग लेते तो कामिनी की भी शादी नहीं हुई लेकिन कामिनी परिवार के साथ रहती है। यहाँ यदि हम अरण्या को देखते तो अरण्या बिना परिवार के रहती और अकेली जीवन जीना पसंद करती है। तो क्या आपको लगता है कि आज की नारी परिवार में रहती हुई संतुष्ट नहीं है तो वह उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहती है? हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एक्सेप्टेशन करती हो? क्या आपको यह वाक्य ऐसा लगता है कि जी मैम यह वाक्य बिल्कुल सही है?
क्यों, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, एक कामिनी और दमयंती को छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि आज की नारी परिवार में रहती हुई संतुष्ट नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि परिवार में रहना संतुष्ट नहीं होता है? हाँ, देखिए इसी बात की ओर हम लोग आपकी दृष्टि डालना चाहते हैं, कटाक्ष हमारा इसी ओर है। देखिए, वाक्य भले ही हमें यह बताता है कि आज की नारी परिवार में रहती हुई संतुष्ट नहीं है, तो वह उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहती, जरूर करना चाहती है, क्यों न करेगी? यदि वह पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं भी है, तो वह अपने अस्तित्व को स्वीकार तो करेगी ही, और अपने अस्तित्व की मांग, अपने अस्तित्व की डिमांड वह सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेगी, और करना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि वो अपने परिवार को परित्याज्य कर दे, या वो अपना परिवार ही न चाहे। अपने परिवार में रहकर भी तो हम अपने व्यक्तित्व को उजागर कर सकती है, अपने व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करना चाहती है, और होता है। कई फैमिलीज ऐसी है कि जिन फैमिलियों में परिवार में रहते हुए भी नारी अपने आप को उजागर कर सकती है, कर लेती है। कई ऐसी फैमिली है कि हम देखते हैं कि अपने, हाँ, लेकिन यह बात है कि उसे, उस नारी को संघर्ष झेलना पड़ता है, उस नारी को उस परिवार से बहुत कुछ। परिवार तो एक जगह पर रहता है, परिवार का कुछ लेन देन नहीं रहता, लेकिन परिवार के साथ रहने वाले जो दूसरे लोग होते हैं ना, वही दूसरे लोग उसमें ये क्या वो क्या इसके संदर्भ में चर्चा करते रहते, जिस कारण वह नारी अपने स्वतंत्र विचारों को उजागर नहीं कर सकती। लेकिन परिवार में रहना उसका मूल कर्तव्य नारी का बन जाता है, यह बात ध्यान में रखिए। अरण्या ने परंपरा को चुनौती दी। अरण्या अपने जीवन की खुशी खुद ही ढूंढती है, जो उसके पास बचा जीवन है उसमें संतोष व्यक्त करती है, वह अपने गुजरे हुए जीवन से उबती नहीं। देखिएगा कि जैसे हम आम तौर पर देखते हैं कि अकेली यदि औरत रहती है तो अकेली औरत जीवन जीते जी लेती है, लेकिन जीते समय वह कई बार एडजस्टमेंट कर लेती है। तो एडजस्टमेंट उस नारी का कैसे होता है? सुबह का खाना रात को खा लिया, रात का खाना सुबह खा लिया, एडजस्टमेंट है ना, क्योंकि कोई तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्यों नया बनाए, यह भी एक थिंकिंग उस औरत की होती है। तो ऐसा कई बार देखने में आता है बेटा कि हम लोग अपना जीवन यापन करते समय औरों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, हमें अपने आप को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे पाते, जिसका परिणाम हमारे अपने जीवन पर हो जाता है। लेकिन अरण्या एक ऐसा नवीन पात्र समाज को दर्शाने के लिए कृष्णा सोबती ने दिया है कि जो अरण्या उन परंपराओं को चुनौती देती है, और अपने जीवन, अपने आप में, अपने ही जीवन की खुशी खुद ढूंढती है, और उसका जो जीवन बचा हुआ है उस जीवन में संतोष को अभिव्यक्त करती है। देखिएगा कि संतोष की अभिव्यक्ति करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या आपके सम्मुख ऐसी नारी है कि जो अकेली जीती है और वह संतुष्ट है? नहीं, कतई नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला रहता है तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसे फैमिली के साथ अपने, ऐसा लगता ही है कि नहीं हमारी भी एक फैमिली हो, हमारे साथ उस फैमिली के साथ बने हुए रिलेशंस बहुत अच्छे हो, और जिस कारण वह संतोष का अभिव्यक्त नहीं कर पाती, वह अपने जीवन से ऊब जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम अरण्या को देखते हैं तो अरण्या अपने जीवन की खुशी खुद ढूंढती है, उसके पांच जो जीवन बचा है उसमें वह संतोष व्यक्त करती है, और अपने गुजरे हुए जीवन से वह ऊबती नहीं है, और वह हर पल को नवयुवक या किशोर की भांति जीना चाहती है। मतलब देखिएगा कि जब भी बात आती है वृद्धावस्था की, तो वृद्धावस्था में आने वाले
जितने भी कठिन पल होते हैं उन कठिन पलों से हम लोग उबर जाते हैं। तो यहाँ पर उबरना नहीं है बल्कि नए नव युवक की भांति या नव किशोर की भांति वह उम्मीदों के साथ अपने जीवन के उन पलों को उजागर करना चाहती है। और यह संदेश अन्य बुजुर्गों के लिए भी है। मतलब देखिएगा कि जैसा आज का बुजुर्ग है, आज के वृद्धावस्था में जाने वाली हर पीढ़ी है, तो उस पीढ़ी को जब भी हम लोग देखते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि वो जो बूढ़े लोग हैं ना, वो किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। तो जब भी वो इस प्रकार का जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं निराशावाद है, कहीं घुटन भरी जिंदगी है ना। और उस घुटन भरी जिंदगी में और भी हम लोग देखते हैं कि कैसे वो जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, कि हर पल उनके जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष घिरा हुआ है। कहीं पर उनके बेटे या बहुओं की शिकायत भरी जिंदगी है। तो नहीं, हमें अरण्य के माध्यम से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि बुढ़ापे में हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को अपनी वास्तविक जिंदगी से परिचित होकर हमें अपने आप जीवन जीना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़े हम लोग? ओके, गुड। पीढ़ी के लिए यह संदेश अन्य बुजुर्गों को भी है, और पीढ़ी के लिए प्रकृति और समय तो नित नवीन है। फिर हम क्यों नीरस बने? हमें भी समय के साथ चलना है, नीरस नहीं बनना है। देखिए, बूढ़े लोगों के लिए वह संदेश देना चाहती है कि हमें नीरस नहीं बनना है, बल्कि हमें समय के साथ चलना है। जिस प्रकार से नव युवक और नव किशोर या नव पीढ़ी जो समय के साथ चलती है, वैसे ही हमें भी समय के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक चित्रण। अब देखिएगा कि जैसे इस उपन्यास में प्रमुख रूप से संयुक्त परिवार, परिवार में बुजुर्गों की भूमिका और वर्तमान पारिवारिक माहौल में उनकी वास्तविक स्थिति को कई प्रसंगों के माध्यम से लेखिका ने उजागर किया। कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब संयुक्त परिवार की बात आती है तो संयुक्त परिवार अब नहीं रहा। अब विघटनवादी परिवारों को हम लोग आत्मसात कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है हम दो हमारे दो और माँ बाप को फेंक दो वाली कूटनीति को जब हम लोगों की जैसी तमाम युवतियां अपनाती हैं तो यही होगा। संयुक्त परिवार कैसे रहेगा? विघटित परिवारों को ही आत्मसात किया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे सहेलियों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि विघटन वाले परिवार को कभी भी आत्मसात मत कीजिए, क्योंकि जहां पर विघटन होता है वहां पर प्यार नहीं होता, जहां पर प्यार नहीं होता वहां पर समझौता नहीं होता। यदि पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो आप दोनों में समझौता करने वाला आपका ससुर होगा, आपकी सास होगी, आपका देवर होगा। लेकिन जब आप लोग झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपके बीच में कोई भी नहीं होता, आपको समझदारी दिखाने के लिए या आपके हस्बैंड को समझदारी दिखाने के लिए या आप दोनों के बीच में एक प्रमुख न्याय दर्शाने के लिए यदि आपके परिवार का दूसरा सदस्य नहीं होता है, तो इसका मतलब तय है कि आपकी जिंदगी अकेलेपन में और घुटन भरी जिंदगी को आप महसूस कर पाओगे। इसका तात्पर्य केवल यही होगा कि आपको आपकी जिंदगी में तलाक के सिवा और कुछ न मिलेगा। इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस उपन्यास में हमें लेना क्या है। संयुक्त परिवार वाली जिंदगी को यदि हम लोग ढोते हैं, भले ही हमें संघर्ष शुरुआत में करना पड़े, लेकिन इसका अंत अत्यंत मीठा होगा। अब आप सोचोगे कि मैम आपने ये बातें बताई कि अंत मीठा होगा, लेकिन कामिनी का अंत कैसे हुआ, दमयंती का अंत कैसे हुआ, हम ये देख चुके हैं। बेटा, ये डिपेंड करता है वो आपकी सेंसिटिविटी पर। भले ही आप आपके स्वतंत्र विचारों को अपनाती हो, लेकिन उस स्वतंत्र विचारों को आपको शुरू से ही रखना है। जैसे कामिनी दबती चली जा रही थी, कामिनी को बाद में अरण्य ने बताया कि नहीं, आप इसको ये ऐसा मत बताओ, आपको उनको उनकी आंखें खोलना है, आपको ये नहीं, आपको ऐसा करना है। जब अरण्या इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, जबकि वह खुद अच्छा अपना वक्तव्य दे सकती थी, लेकिन उसने अपना वक्तव्य नहीं दिया, न तो अरण्या ने दिया न तो
दमयंती ने दिया। बस ये सारी बातें आपको अपने समय में ढूंढनी चाहिए और स्पष्टवादिता को आपको आत्मसात करना चाहिए, जिस कारण आपका ये जो परिवार है यह परिवार घुटन भरी जिंदगी से और विघटन भरी जिंदगी से बच पाए। और यहाँ पर इस उपन्यास के माध्यम से संयुक्त परिवार, परिवार में वृद्धों की जो भाव भूमिका है या वर्तमान पारिवारिक माहौल जिस प्रकार से वास्तविक स्थिति से गुजरता है, उन प्रसंगों से यहाँ पर हमें परिचित करवा दिया है। दमयंती, आप चलते दमयंती की ओर। दमयंती को उसके बहु बेटे अपमानित कर रहे हैं तो प्रभु दयाल को परिवार द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। देखिएगा कि जैसे एक परिवार है दमयंती का, और दमयंती का बहु बेटा हम लोग देख चुके हैं कि जैसे दमयंती का अपना परिवार है, दमयंती खुद चाहते हैं कि उसके मतलब उसकी सैलरी से ही उसका परिवार चल पाता है, जीवन निर्वाह केवल उसकी सैलरी से होता है। लेकिन जब बहू ये चाहते कि उसका बेड उसे बहुत अच्छा लगा तो वह वहां से उठा कर ले जाती है, अपने बेडरूम में रख देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो दमयंती की हालात आज हुई है, तो दमयंती को स्टार्टिंग से ही जब उसके बहू बेटे अपमानित कर रहे थे तो उन्हें अपना अपमान नहीं करवा लेना चाहिए, और सीधे मुंह स्पष्टवादिता से उसने यह बातें कहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कह पाए। तो यहाँ पर एक नवीन मूल्य बोध हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रतीत होता जाता है कि दमयंती हो चाहे दुनिया भर की तमाम औरतें, हमें हमें अपने स्वावलंबन से, हमें अपने व्यक्तित्व को, और व्यक्तित्व को ही नहीं बल्कि हमें अपने आप को उजागर करना आना चाहिए। तो जैसे दमयंती को हम लोग देख चुके हैं कि दमयंती का बहू और बेटा उसे निरंतर रूप से अपमानित कर रहा है, और एक कैरेक्टर नया जुड़ गया है प्रभु दयाल, तो प्रभु दयाल को भी परिवार के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है कामिनी। कामिनी का जब जिस उसका कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन उसका जो सगा भाई है उसकी जायदाद हड़पना चाहता है, और जब उसकी जायदाद पर उसका भाई और भाभी वह दोनों हड़पना चाहते हैं, तो हम इसके पूर्व भी बता चुके हैं कि किस प्रकार से वह अकेले स्थान में निर्जल स्थल में उसे बुलाते हैं, और बुलाने के पश्चात वह वहां पर उसे ऐसा सो जाता है कि कहीं ना कहीं अब उसे मृत्यु के घाट डाल देंगे। लेकिन देखिएगा कि एक विश्वास होता है कि नहीं, हमारा भाई है, हमारी बहन भाभी है। तो यहाँ पर भी हमें सचेत होने की जरूरत होती है बेटा, कि हमें उन लोगों के प्रति न्याय देने की या उन लोगों के प्रति प्यार दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग हमारे नहीं होते। हमें व्यक्ति की मानसिकता को समझने की नितांत आवश्यकता हो जाती है कि हमें किस ओर अपने व्यक्तित्व को निहारना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, क्या आपके दिल में कोई सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। दोनों को भी सवाल नहीं है कोई भी? ओके, आप देखिएगा कि जैसे कामिनी जिसका कोई परिवार नहीं, लेकिन उसके सगे भाई उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं, दमयंती के पास सब कुछ है फिर भी वह अकेली है, दुखी है, आखिर यह परिवार की विडंबना है। आज के समय में एक माँ को अपने बेटे से भय लग रहा है। दमयंती का भय निराधार नहीं है, और अगले कुछ दिनों में ही दमयंती संसार छोड़ चली जाती है। हाँ जी, हाँ, दोनों को भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है बेटा। आपका आपका नेट प्रॉब्लम होगा शायद, या हमारा भी हो सकता है, पता नहीं। अब देखिए, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा आपको आजकल में, तो आप लोग देख सकते हो, सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नामकरण भी बहुत से का हो गया है, तो गूगल क्लासरूम पर हम डाल देंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पिता के ना, हाँ, आज के समय में एक माँ को अपने बेटे से भय लग रहा है। दमयंती का भय निराधार नहीं है,
और अगले कुछ दिनों में ही दमयंती संसार छोड़ चली जाती है। यह उसके बहु बेटे की मेहरबानी है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पिता के न होते विधवा अबला माँ के साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि पिता बूढ़े हो जाने पर उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। देखिएगा, कई फैमिलीज को हम लोग देख चुके हैं बेटा, कि ऐसी कई फैमिली है, कई ऐसे परिवार है कि जिन परिवारों में नारी चली जाती है तो भी उस परिवार का जो मुखिया है, जिसका अब तक बहुत चलता था, बोलबाला था, उसके हाथों में पूरी बागडोर थी, अब जब उसकी बागडोर उसके बहू के हाथों में, बेटे के हाथों में चली जाती है, तब उस व्यक्ति की हालत कैसी होती है? खाना तक नसीब नहीं होता है ना। यदि हम आपको बता दें, जब आपको याद आ रहा होगा कि बूढ़े वर्ग की कहानी को बताते हुए हमने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी, अब हम पहले तो इस पॉइंट को कंप्लीट कर देते, उसके बाद में हम आपको उस कहानी के बारे में बताएंगे कि अकेले रहने के पश्चात क्या भुगतना पड़ता है। लेखिका परिवार के विद्रूप रूप को हमारे सामने रखती है। कामिनी के भाई भी उसे स्लो पॉइजन की दवा देकर मारना चाहते हैं। अब घर में बुजुर्ग लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। कैसी यह परिवार व्यवस्था जो असभ्यता की चादर ओढ़ चुकी है, अपनेपन की भावनाओं की हत्या हो रही है। वास्तव यह है कि रिश्तों में महत्वपूर्ण स्थान अब पैसों ने ले लिया है। दोस्तों, इस उपन्यास के जरिए, केवल यह उपन्यास हम लोगों को यह बताने के लिए अग्रसर नहीं होता है, बल्कि हम आपको बताना चाहेंगे कि समाज में कई तमाम ऐसे परिवार आज भी मौजूद हैं कि जिन परिवारों में इस प्रकार की समस्याओं को वह परिवार झेल रहा है। कई परिवारों में कि जहां उस परिवार की बागडोर उस व्यक्ति के हाथों में थी, आज उसे कैसा खाना मिल रहा है, या खाना भी नहीं मिल पाता, उसे सीधे वृद्धाश्रम में वह अपने बेटे या बहुओं के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। यह वास्तविकता है। यदि हम आपको बता दें एक छोटी सी स्टोरी, तो उस स्टोरी के माध्यम से शायद आपकी भी आंखें खुल जाए। छोटा सा बच्चा, डेली उसकी जो मम्मा है वह मिट्टी के बर्तन में खाना देती है, अब उसके दादाजी को देकर आने के लिए कहती है। बेटा रोजी डेली वह खाना उठाता है, अपने दादा को देकर आता है। एक दिन उसे ठोकर लग जाती है, वो जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी उसे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो, यह तो एक बर्तन है, हम दूसरा लेकर आएंगे। तो बेटा उसे कहता है कि मम्मी लेकिन निश्चित तौर पर आ तो जाएगा ना। तो मम्मी बोलती है, हाँ बेटा आएगा, लेकिन क्यों क्यों आएगा, क्यों चाहते हो आप? इसलिए चाहता हूं कि जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे तो भी मैं आपको ऐसे ही मिट्टी के बर्तन में खाना दूंगा। अब देखिए, जब इस स्टेटमेंट से उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं कि जैसा आप बोगे वैसा आपको मिलेगा। यदि आप आपके बुजुर्गों के साथ, आपके सास ससुर के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तो बच्चे आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। इस कहानी से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि यदि हम अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो आप भी उम्मीद मत रखिएगा कि हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसलिए इस निष्कर्ष पर हमें पहुंचना चाहिए, इस मॉरल को हमें आत्मसात करना चाहिए कि कभी भी हमें अपने बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, चाहे वह बूढ़े हो, चाहे वह उसके उनके हाथों में बागडोर हो या उनके हाथों में बागडोर न हो। पैसा सर्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि पैसों ने ही सारा महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, समझो। क्यों केवल पैसों को आगे ले जाना और पैसों को हाथों में ले लेना यह कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी को आराम से, सुकून से, शांति से, समाधान से, संतोष से आत्मसात करना, यही जिंदगी की वास्तविकता है। और इसी वास्तविकता के नवीन मूल्यबोध की ओर कृष्णा सोक्ति हमारी दृष्टि डालने का सफल प्रयास करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। ओके, अब देखिएगा कि जैसे हम आपको इसके पूर्व बता चुके हैं
कि अरण्या और ईशान दोनों अच्छे और गहरे दोस्त। अब उस मित्रता का अगला जो रूप है या अलग रूप जो है उसे हम आपके सम्मुख देखें। क्या दोस्ती केवल यौवनावस्था में ही हो सकती है? क्या प्यार केवल यौवनावस्था में ही हो सकता है? नहीं, प्यार अलग होता है। देखिएगा कि प्यार कैसे अलग होता है। कई जगह पर हम लोग पाते हैं कि केवल शारीरिक प्यार होता है, कई जगह पर मानसिक प्यार होता है, लेकिन यहाँ पैसों वाला आर्थिक प्यार नहीं है, शारीरिक प्यार नहीं है, बल्कि हम कहें कि मन जब जुड़ जाते हैं, जो दो दिल जुड़ जाते हैं, तो प्यार अपने आप हो जाता है। और उस प्यार का कोई, प्यार की कोई आयु नहीं है, प्यार का कोई एक धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, बस उस प्यार को आत्मसात करना है। दोनों ही अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं। और जैसे आपको पता है, अरण्या और ईशान दोनों भी वृद्धावस्था को प्राप्त किए हुए हैं, और दोनों हम उम्र है, मतलब दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों भी वृद्धावस्था है, बुजुर्ग है, और वह दोनों हर पल हर समय एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि इनका भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं है। तो जब दोनों को पता चल गया है कि इनका कोई नहीं और मेरा कोई नहीं, तो दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं। घूमना एक साथ है, चाय पीना है, भोजन करना है, नाश्ता करना है, इतना ही नहीं, वे दिल खोलकर एक दूसरे से बातें भी करते थे। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी एक साथ घूमते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन लेकिन दिल खोलकर बात नहीं करते। इसका मतलब यह है कि वह एक दूसरे के दिल की जांच पड़ताल नहीं कर पाते। लेकिन कोई किसी भी प्रकार के रिश्तों में न बनकर हमारा ईशान और हमारी अरण्या एक दूसरे के साथ घूमती है, एक दूसरे के साथ चाय पीती है, भोजन करती है, नाश्ता करती है, इतना ही नहीं, तो वह दिल खोलकर एक दूसरे की जज्बातों को समझ सकते हैं। अरण्या को जो चीजें अच्छी लगती है वह भेंट के रूप में उसे दे दिया करते थे। देखिएगा कि एक मित्रता का एक उत्तरदायित्व क्या होता है, एक जिम्मेदारी क्या होती है ना? तो जिम्मेदारी होती है कि जो मेरे दोस्त को अच्छा लगे बस मैं उसे भेंट स्वरूप दे दूं, और ऐसा ही तो। और खास तौर पर महिलाएं, नारी की ओर यदि हम लोग सचेत करवाए, तो नारी को सबसे पहले प्रेजेंट मिलता है उसे अपने दोस्तों के कारण, क्योंकि वह दोस्त उसे चाहते हैं, और इतनी बड़ी चीज वो नहीं मांगती अरण्या, और नहीं ईशान उसे दे पाएगा। छोटी छोटी चीजें जो गिफ्ट के तौर पर वो भी दे सकता है, और उसी चीज की वो डिमांड करती है। जैसे अरण्या को कौन सी चीजें पसंद है, तो जैसे नरगिस के फूल अरण्या को बहुत पसंद थे,